जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो आज 3 मई है, लॉकडाउन आज खत्म होने वाला था लेकिन 14 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ गया है। अभी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में शॉप खुल सकती है। शॉप खुलने के आपकी सभी तरह की लॉन्ड्री शॉप हो, बार्बर शॉप हो, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल, थिएटर्स और स्कूल छोड़ के सारे छोटे मोटे बिजनेस खुल सकते हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। अभी मेरे यहाँ पे क्या हुआ है, जब 2.0 जब सेकंड लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था ना, धुले डिस्ट्रिक्ट, वो ग्रीन जोन में था। मैं काफी खुश था कि चलो अभी हमारा ग्रीन जोन में है, हम शॉप खोल पाएंगे, शॉप खुल जाएगा, कुछ ना कुछ नया होगा, बिजनेस कर पाएंगे हम, थोड़ी बहुत हमें रियायत मिल जाएंगी। रियायत मिली हमें, सारी चीजें हम ला सकते हैं, रोजमर्रा की चीजें हमें मिल जाएंगी, सारी रियायत मिली। लेकिन फिर हमारा धीरे धीरे पेशेंट बढ़ने लगे। अभी 29 पेशेंट है दूल्हे में, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादा फिगर हो सकता है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो रेड जोन में है, इसीलिए हमारे शॉप नहीं खुलने वाली है। और आपका क्या है, आपकी शॉप खुली या नहीं खुली? उत्तराखंड में हमारे एक दोस्त है भोला ड्राई क्लीनर्स, उनकी शॉप कल से खुलने जा रही है। और आपका क्या स्टेटस है, शॉप खुलने वाली है नहीं खुलने वाली है? और आपके शहर के साथ में कमेंट में मुझे बताइए कि कौन से शहर में से है आप, और आपका ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है, और आपकी शॉप खुली है या नहीं खुली है। दूसरा ऐसा है कि क्यों हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है रेड जोन में आया, पेशेंट बढ़ गए होंगे तो उसके वजह से रेड जोन में आया, और स्ट्रिक्ट क्यों है, इसके भी हमारे पास कुछ तथ्य है। हमारे जो यहाँ से मालेगांव जो है, जो हॉटस्पॉट माना गया है, वो 70 किलोमीटर दूर है मेरे शहर से, और हमारे यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र की सीमा आती है। पिछले टाइम जब भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में भी था, लेकिन हुआ क्या, जो मजदूरों का पलायन जो हुआ था, तो वो ट्रकों में भर के यहीं पे पकड़े गए थे, कुछ लोग जिनको जमा कराया था और जिनको फिर क्वारंटाइन किया, 50 से 55 लोग थे। तो इसके वजह से हमारा जो शॉप खुल सकती थी ऐसा कुछ मुझे लग रहा था, लेकिन उस इंसिडेंट के वजह से हमारा शॉप नहीं खुला, हमारा मार्केट बिल्कुल भी नहीं खुला। जरूरी जो सामान मिलता है वो मिल जाता है, बट कंप्लीटली स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं, 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा है, तो अभी वेट करने के सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। और अगर आप रेड जोन में होंगे तो आपको ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में जाने के लिए कुछ कंडीशन होती है। 21 दिन, पहले तो 28 दिन थी, अभी 21 दिन जो थी, 21 दिन में अगर एक भी पेशेंट नहीं आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको रेड जोन से ऑरेंज जोन में या फिर ग्रीन जोन में डाला जा सकता है, फिर आपको रियायत मिल सकती है। अभी ये लॉकडाउन जो खुल रहा है ना, वो एकदम से नहीं खुलेगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुलेगा। और कोरोना वायरस जो है, COVID-19, इसका संक्रमण है, ये भी अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये कंप्लीटली बंद नहीं होने वाली है, या ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली कोरोना वायरस पूरा गॉन हो जाएगा लॉकडाउन की वजह से या किसी भी उपायों की वजह से, ये पूरा बंद नहीं होगा। इसके साथ में हमें जीना सीखना पड़ेगा, कैसे इसके साथ में जीना सीखा जाए, कैसे अपने आप को सैनिटाइज रखा जाए, कैसे हम इस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हो, ऐसी लाइफस्टाइल हमें बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, तब हम इसके साथ में जी सकते हैं। और तब इस लॉकडाउन के बगैर भी हमें जीना जब आएगा, तब ये लॉकडाउन पूरा कंप्लीटली खुल जाएगा, और हम सोशल गैदरिंग भी करेंगे आगे, तो हमें सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करनी पड़ेगी, तब हम इस लॉकडाउन सिचुएशन से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी से हमें हमारा बिहेव रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें एक जो भी हम कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे आगे इन फ्यूचर, तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि हमें इन्फेक्ट नहीं होना है या हमें कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होना है, हमें ठीक से रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहना है, तो हमारे आजू बाजू के लोग जो है, हमारे फैमिली के लोग हैं, इससे बच पाएंगे। ऐसा हमारा
बिहेव रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बस यही है, मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहता था कि क्यों हमारे यहाँ पे शॉप नहीं खुले हैं और आगे सिर्फ हमें वेट करना है। काफी खराब कंडीशन हो जाएगी बिजनेस की और हम सोच नहीं सकते हैं, इतना लॉस सबका हुआ है, हर किसी का हुआ है। तो बस इसे इसे है कि जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, सिर सलामत है तो पगड़ी 50 मिलेगी फ्रेंड्स। बस यही एक पॉजिटिव थिंग हमें सोच के चलना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए कि आप ग्रीन जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं, आपकी शॉप खुली है नहीं खुली है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। आपकी कमेंट देख के लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो यही तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद फ्रेंड्स।